हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन मेंटोर, एक कदम सफलता की ओर। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका रीजनिंग मेंटोर हिमांशु उपाध्याय आपके साथ। लास्ट की क्लास में हमने अल्फाबेटिकल सीरीज देखा था, उससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग का चाइनीज कोड देखा था। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो आपको प्री के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। आज जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग के बारे में बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो यही है कि अल्फाबेट्स की नंबरिंग क्या होने वाली है हमारे पास में। तो हम अल्फाबेट्स की नंबरिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट्स की नंबरिंग किस तरीके से हम याद कर सकते हैं और उसका जो रिवर्स ऑर्डर है वो किस तरीके से देख सकते हैं, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो आपको ध्यान हो तो हमने बात की थी कि अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है वो दो कैटेगरी में होती है। फर्स्ट अल्फाबेट सीरीज, जो हम नॉर्मल बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज, सेकंड अल्फाबेट्स का रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर। देखो कोई डिफरेंस नहीं है, अल्फाबेटिकल सीरीज आपके पास नॉर्मल ए टू जेड मूव करने वाली है, मींस नंबर 1 to 26 मूव करने वाली है, और रिवर्स ऑर्डर आपके पास जेड टू ए मूव करने वाला है, मतलब 26 to 1 मूव करने वाला है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे इनका जो रिवर्स ऑर्डर है वो आपका नॉर्मल ऑर्डर के साथ में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है हमें नंबरिंग किस तरीके से याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट नंबरिंग अगर हमें नहीं याद होती है तो हमें उनकी नंबरिंग को देख करके चेक करना पड़ता है कि किस तरीके से कोडिंग होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही चेक करेंगे। तो देखो हम पेयर्स की बात बाद में करेंगे, पहले हम अल्फाबेट्स की नंबरिंग आज देखते हैं, ठीक है। चलिए अल्फाबेट्स की नंबरिंग की यदि मैं बात करूं तो यहां पे मैं पेयर्स की फॉर्म में बात करता हूं, ए बी सी एंड डी। मैं चार चार के पेयर उठाऊंगा आपके पास में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ई एफ जी एच, ठीक है, और आगे चले तो आई जे के एल, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड लास्ट में वाई एंड जेड। तो देखो इनकी जो नंबरिंग है वो किस तरीके से है, मैं यहाँ पे सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो नंबरिंग है बस हमें ये देखना है कि बिना हमें ये चीज लिखे हुए डायरेक्टली किसी भी लेटर की नंबरिंग हम चेक कर पाए, हमारे दिमाग में सेट हो कि इस लेटर की नंबरिंग ये हमें मिलने वाली है, ठीक है। हमें उसके लिए इस सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ 26 लेटर हो गए। अब देखो क्या करना है, बेसिकली मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है तरीका। ये बंच आपको याद करने की जरूरत वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबली ए से लेकर के जेड डी तक के जो चारों हैं नॉर्मली नंबर हमें पता होते हैं। फिर भी आप इसे मूवी के नाम से याद रख सकते हैं, आपको पता होगा मूवी का नाम आया था ABCD, ठीक है। तो ABCD मूवी एक साथ पेयर करती है 1 2 3 एंड 4 की फॉर्म में, ठीक है। अगला यदि मैं बात करूं तो देखो ये जो है यहाँ पे मैं आपको एक सेट बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे एक सेट होता है, आपको अगर याद हो, जिसको हम बोलते हैं ई जे ओ टी वाई, इजॉटी, जिसमें हम बोलते हैं कि ये पांच का सीरीज का सेट होता है, जिसमें 5 10 5 की टेबल चलती है, 5 10 15 20 एंड 25। तो पांच लेटर तो ये आपको ऐसे ही याद होने वाले हैं, कौन कौन से, ई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, जे हो जाएगा और वाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में टी हो जाएगा। टोटल हमारे पास में जितने भी हैं सारे की सारे हमें इजॉटी से याद हो जाने वाले हैं। एक और पेयर होता है जो आप याद कर सकते हो, दैट इज ये 3 की टेबल में चलता है, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल जितने भी हैं वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो कौन कौन से हो गए, सी हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, एल हो गया,
ठीक है, उसके बाद में आपके पास में कौन हो गया, ओ हो गया, देन आपके पास में आर हो गया, उसके पास में यू हो गया और उसके बाद में एक्स हो गया, जिसको हम बोलते हैं सिफ्लोरेक्स। सिफ्लोरेक्स भी एक हमारे पास में वर्ड होता है जो हमारे पास में डायरेक्टली हमें इन लेटर्स को याद करवा देता है। ठीक है, आप सिफ्लोरेक्स याद करोगे, आपको डायरेक्टली तीन के फॉर्म में सारे के सारे लेटर्स की नंबरिंग याद हो जाएगी। ठीक है, और ये 24 क्लियर है। तो यहाँ से हमें काफी हद तक क्वेश्चंस के जो जितने भी लेटर्स हैं वो काफी हद तक मिल चुके हैं, कुछ यहाँ से मिल चुके हैं, बाकी हम इनको याद करेंगे। कैसे याद करते हैं, देखो F6 है तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, F को हम 6 कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो मैं F को लिखता हूँ फिक्स, और फिक्स क्या है 6, यहाँ पे देखो 6 आपको मिल गया है किसके लिए, F के लिए। ठीक है, ये 6 हो गया। G7 आपको मालूम ही है, एक कम्युनिटी बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, G20, G8, इस तरीके से एक क्या बनी हुई है, G7 ग्रुप बना हुआ है एक कंट्रीज का, तो G7 को आप कंट्रीज के ग्रुप से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आता हूं, तो H8, आप H8 को 8 के डिजिटल फॉर्म से याद रख सकते हो, डिजिटल फॉर्मेट में आप 8 को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये 8 है तो ये H से ही बना है, देखो H से ही बना है, तो ये 8 हो गया, आप इसको भी याद कर सकते हैं। I9 आप ऑलरेडी देख चुके हो कि I9 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो आई को आप हिंदी के 9 से याद कर सकते हो, मैं थोड़ा आगे ले चलता हूँ आपको, आई को आप हिंदी के 9 से याद रख सकते हो, 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 9, और 9 को ऐसे लिखा जाता है, तो आप कैसे याद कर सकते हो, आई नो, आई नो, आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और J10 आपको पता ही है, याद करने में है नहीं, K11, K11 आप कैसे याद रख सकते हो, K11 को आप किंग्स 11 से याद रख सकते हो, किंग्स 11 पंजाब से याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका K क्या हो गया, 11 हो गया। एक और चीज आपको यहाँ मिल जाएगी, पंजाब का P उठाओ और किंग्स का K उठाओ, ये आपस में रिवर्स ऑर्डर भी आपको इसी वाले फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। K हो गया, उसके बाद L की मैं बात करता हूं, तो L की नंबरिंग कितनी है, L12, L की नंबरिंग यदि 12 है मेरे पास में, तो L को अगर मैं बोलता हूं लास्ट, लास्ट किस में, लास्ट क्रिकेट में, जो लास्ट मैन होता है क्रिकेट में, आई थिंक आपको पता होगा लास्ट मैन कौन से नंबर का होता है, 12th नंबर का होता है, तो लास्ट जो क्रिकेट के अंदर मैन होता है वो कौन से नंबर का होता है, 12 नंबर के होते हैं, मतलब टोटल 11 खेलते हैं और एक अलग से हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लास्ट मैन कहते हैं, तो L12। ठीक है, इसको आप प्राइम से भी याद रख सकते हो, L12। ठीक है, आगे चले तो M13 और N, MN की फॉर्म आप इसको करते हो दोनों को साथ में लेकर के, तो मैन से आप याद कर सकते हो M और N को, मैन से याद कर सकते हो M और N को, या ऐसे भी याद कर सकते हो आप क्या, मन, क्या याद कर सकते हो, मन, और मन, मन अगर मैं बात करता हूं तो मन किसका है, 13 है, मन किसका है, 13 है, 13 मतलब 13, तो मतलब मन के अंदर M की नंबरिंग हो गई 13 और N की नंबरिंग हो गई 14। क्लियर है यहां तक, ये करने के कुछ तरीके हैं, दो तीन बार अगर आप इन तरीकों को देखोगे तो कोई भी बता देगा कौन से लेटर का नंबर क्या होने वाला है। O15 आपको ऑलरेडी पता है, प्रिंस 16, तो ये अच्छे से याद कर सकते हो, देखो मैं पहले ही प्रिंस बोल दिया, तो प्रिंस आपके पास में अगर मैं देखूं तो प्रिंस की यदि मैं बात करता हूं तो प्रिंस के अंदर कौन सा लेटर आ गया, P आ गया, प्रिंस कौन से नंबर पे है, 16, इसको अगर मैं बात करूं तो कैसे बोलेंगे, तो प्रिंस 16 ईयर्स की एज में बन जाता था, पहले राजा महाराजाओं के टाइम में कितने साल के होने पे उसको प्रिंस घोषित कर दिया जाता था, जब वो 16 साल का हो जाता था, तो प्रिंस के लिए क्या हो गया, 16। और देते हैं P16 हो गया आपके पास में, Q17, देखो ऐसी स्टोरी है हमारे पास में, क्या स्टोरी है, क्यू से आपको बनाना है क्वीन, क्वीन मतलब रानी, और आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं किसके लिए हुए हैं, रानियों के लिए हुए हैं, मतलब क्वीन क्या है, खतरे का साइन है, और खतरा कौन से नंबर पे होता है, 17 पे क्या होता है, खतरा होता है, 17 पे क्या होता है, खतरा होता है, तो इसका मतलब क्यू की नंबरिंग क्या हो गई, 17। और अगर मैं लेटर की बात करता हूँ
तेरा बाईपास में है कौन, आर, और आर नंबरिंग कितनी है, तो आर को कैसे याद रखेंगे, तो पी क्यू और आर को तीनों को एक साथ ले लो, पी क्यू और आर कैसे याद होगा, देखो पी से प्रिंस हुआ जो सबसे छोटा है 16 साल का, क्यू से क्वीन हुई जो प्रिंस से बड़ी होगी क्योंकि वो उसकी माता है 17 साल की, और राजा सबसे बड़ा होगा जो कितने साल का होगा, 18 का। तो ये हो गया प्रिंस, ये हो गई क्वीन, और ये हो गया राजा। समझ में आ रही बात, तो तीनों को आप एक साथ लेकर के भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आर हमारे पास हो चुकी है। आर के बाद आते हैं एस पे, टी ट्वेंटी आपको आई थिंक पता होगा, तो टी ट्वेंटी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट फॉर्मेट भी है। एस 19, अगेन आप राइम से याद रख सकते हो, एस क्या होता है, एस 19 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 19 बोलते हैं, अगर सबको पता हो तो 19 बोलते हैं किसको, 19 को। तो देखो 19 के लास्ट में एस दिख रहा है, हिंदी का एस, हिंदी में एस को क्या बोलते हैं, स। याद करके देखो, जब आप 19 बोलोगे तो ऑलरेडी आपको साउंड क्या आएगा, एस का साउंड आएगा। बोल के देखो 19, एस का साउंड आएगा, और एस का साउंड आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एस की बात कर रहे हैं। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगी बात। चलिए एस के बाद देखते हैं टी, हम देख चुके हैं। अब देखो एक पेयर मैं ये बनाने जा रहा हूँ किसका, यू वी और डब्ल्यू का। तो देखो यू वी डब्ल्यू का पेयर, यू वी डब्ल्यू के पेयर में सबसे पहले मैं यू की बात कर लेता हूँ। यू मतलब 21, 22, 23। तो देखो यू मतलब आप यूथ बोल सकते हो, या हिंदी में बोलो तो युवा बोल सकते हो। तो युवा में यू आता है, और युवा कितने साल की उम्र में होते हैं हम, 21 साल की उम्र में होते हैं। तो युवा का यू अगर आप उठाते हो तो कौन सी एज में, 21 की एज में, तो यू की नंबरिंग 21। और अगर तीनों को एक साथ याद करना है तो इसको क्या बोलोगे, यू वी वेव्स। तीनों साथ में आ गए, यू वी वेव्स। यू की नंबरिंग हमने युवा से 21 याद कर ली, तो वी की ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी 22, और डब्ल्यू की ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी 23। क्लियर है, क्योंकि तीनों साथ में हैं। आगे मैं बात करता हूं, तो एक्स मेरे अगेन कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे एबीसीडी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही एक्स वाई जेड की भी याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 24, 25 एंड 26। क्लियर है यहां तक सबको, ये हमने देखा है कुछ तरीके जिस तरीके से हम अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं ए से लेकर के जेड तक की नंबरिंग। ये कहाँ कहाँ यूज आ सकती है नंबरिंग, क्यों हमें नंबरिंग याद करने की जरूरत पड़ती है, तो कहाँ कहाँ पे, जब आप इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस करोगे ना, जब हम कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे, जब हम इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये क्वेश्चंस में ये नंबरिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग में जब आप वर्ड टू वर्ड कोडिंग करोगे तो भी ये वाली नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चाइनीज कोड में भी कभी कभी इन्हीं लेटर के बेसिस पे पोर्शन बना दिए जाते हैं, तो वहां पे भी यूज होती है ये क्या, नंबरिंग, ठीक है। और कभी कभी अल्फाबेटिकल सीरीज में भी आ जाती है, तो बहुत सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जिनमें ये पूछी जाती है, इसलिए आपको ये माइंड में होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको, तो ये तो हमने सबसे पहले अभी क्या किया है, हमारे पास अभी हमने देखी है अल्फाबेट्स की नंबरिंग। अब हम देखेंगे अल्फाबेट्स के पेयर, अल्फाबेट्स के पेयर देखने हैं अब हमें। तो अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, अल्फाबेटिकल पेयर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अल्फाबेटिकल या अल्फाबेट पेयर। और पेयर के अंदर कुछ नहीं है, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया भी था कि अल्फाबेट पेयर जो होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं, एक से लेकर 13, मतलब आपको अल्फाबेट्स की सीरीज को दो पार्ट में तोड़ लेना है, एक से लेकर के 13 और 14 से लेकर के 26, इस तरीके से लिखना है आपको। या अगर मैं बात करूँ तो एम, ए से लेकर के एम तक, और एन से लेकर के जेड तक, इस तरीके से आपके पेयर बनते हैं, ठीक है। अब उन पेयर को याद कैसे करना है ये हमें चेक करना है, तो यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ पेयर बनाने की, तो पेयर इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, ए का पेयर किसके साथ बनेगा, जेड के साथ, बी का पेयर किसके साथ बनेगा, वाई के साथ, सी का पेयर किसके साथ बनेगा, एक्स के साथ, डी का किसके साथ बनेगा, डब्ल्यू के साथ, ठीक है। ये हम नंबरिंग के साथ आपको बताते जाऊँगा कैसे देखने को मिला, ई का वी के साथ,
एफ का यू के साथ, जी का टी के साथ, एच का एस के साथ, आई का आर के साथ, जे का क्यू के साथ, के का पी के साथ, एल का ओ के साथ, एम का एन के साथ। बन गए टोटल पेयर, क्योंकि हमारे पास टोटल 13 पेयर बनने थी, तो चार 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 आपके पास 12 और एक 13 पेयर। हमने क्या कहा था कैसे बनेंगे, ये 1 तो ये 26, 25 तो ये 2, ये 3 तो ये 24, ये 23 तो ये 4, ये 5 तो ये 22, 6 21, 7 20, 8 19, 9 18, 10 17, 11 16, 12 15 और 13 14। ठीक है, अब ये पेयर हमें याद होने चाहिए, तो याद ही करने हैं हमें। ऐसे तो हम लिख करके तो अपनी कॉपी में रख नहीं सकते ना, कि शुरू में लिख करके रख लिया और पलट पलट के देख रहे हैं, तो हमें याद ही होना चाहिए तभी हम कोडिंग कर सकते हैं। तो कैसे याद करोगे, देखो सबसे पहला पेयर याद करने का बहुत अच्छा तरीका है ए टू जेड। हम जनरली क्या बोलते हैं, आपको सारे के सारे लेटर्स याद होने चाहिए ए से लेकर के जेड तक, या ए टू जेड तक। आपको अल्फाबेट्स याद होने चाहिए ए टू जेड तक। तो हम बार बार क्या ही बोलते हैं, ए टू जेड ए टू जेड ए टू जेड बोलते रहते हैं ना, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको क्या याद हो जाएगा, ए का रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, जेड होता है। या आप इसको किससे भी याद रख सकते हो, एक बहुत छोटा सा वर्ड है अजहर। अजहर एक मूवी भी आई थी, तो अजहर मूवी से आप ए टू जेड का अजहर याद कर सकते हो। ठीक है, सेकंड यदि मैं बी वाई की बात करता हूं, तो बी वाई आप याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, तो बी वाई को आप बॉय से याद रख सकते हो, या बी वाई को आप बाय से याद रख सकते हो। तो बहुत सारे लेटर्स हो गए हमारे पास ऐसे जिससे हम बी को वाई से याद रख सकते हैं, तो बॉय या बाय से हम बी को याद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का रिवर्स ऑर्डर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप बॉय बोलोगे, आपको बी का रिवर्स ऑर्डर वाई याद आ जाएगा, उल्टा भी याद आ जाएगा। सी और एक्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सी और एक्स को याद रखना है तो आप कोरेक्स से याद रख सकते हो, कोरेक्स से याद रख सकते हो। तो कोरेक्स एक कॉफ सिरप होता है, तो कोरेक्स से आप सी का रिवर्स ऑर्डर एक्स याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सी का रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये थर्ड हो गया हमारे पास में, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। और डी डब्ल्यू को भी याद कर सकते हो आप किससे, तो या तो ड्यू से याद रख लो। ठीक है, ड्यू से भी याद रख सकते हो आप, और ड्यू से याद नहीं रखना तो आप किससे याद रख सकते हो, दूध वाला से याद रख सकते हो, दूध वाला। किससे याद रख सकते हो, दूध वाला। तो डी का रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, ई को यदि वी से याद रखना है तो किससे याद रख सकते हो, बहुत सारे लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, ईवन से याद रख सकते हो, इवनिंग से याद रख सकते हो। ठीक है, एवर रेडी से याद रख सकते हो। तो इससे ई का रिवर्स ऑर्डर क्या मिल जाएगा, मुझे वी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ई वी भी हो गया। एफ यू को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका क्या है हमारे पास, आप एक ही वर्ड लिखो, क्या लिखो, फन लिखो, एफ का रिवर्स ऑर्डर यू मिल जाएगा आपको। क्या मिल गया, फन से आपको एफ का रिवर्स ऑर्डर यू मिल जाएगा। ठीक है, अगला चले तो जी और टी के लिए आप क्या याद रख सकते हो, गॉट याद रख सकते हो, गॉट जी ओ ए टी गॉट, या फिर जी टी रोड भी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, जी टी रोड, जी टी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कर सकते हो याद, तो यहाँ से भी आपको जी टी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो आगे हमारे पास में है एच एस। एच एस को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है हाई स्कूल, क्या याद रख सकते हो, हाई स्कूल। और अगर हाई स्कूल से याद नहीं होता तो हनी सिंह से याद रख सकते हो, किससे याद कर सकते हो, हनी सिंह से याद कर सकते हो। क्लियर है, आगे देखें तो आगे हमारे पास में आई और आर है, तो आई और आर को आप इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो। ठीक है, इंडियन रेल, या फिर आई आर वेव से भी याद कर सकते हो, आई आर वेव्स अगर आपने सुनी हो तो। ठीक है, तो सबके लिए हमने कुछ वर्ड जैसे डिफाइन कर लिए हैं जिनसे हमें यह याद हो जाएंगे रिवर्स ऑर्डर के अंदर। जे क्यू को आप याद कर सकते हो किससे, जैक एंड क्वीन से, जैक एंड क्वीन से जे क्यू को याद कर सकते हो। या आप इसको बोल सकते हो जंगल क्वीन, या भी बोल सकते हो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और आगे चलें तो में आता है केपी। केपी को याद कर सकते हो आप किससे, केपी को आप याद कर सकते हो आप यहां से कटप्पा से।
कटप्पा, कटप्पा से केपी याद हो जाएगा, या मैंने आपको बताया था किंग्स इलेवन पंजाब, किंग्स इलेवन पंजाब से भी आप केपी को याद कर सकते हो, ठीक है। और आगे चलें तो एल ओ को आप लव से याद कर सकते हो, एल ओ वी ई लव, लव से आप एल ओ को याद कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आपको ये रिवर्स ऑर्डर याद हो ही जाएंगे, या फिर ऑयल उल्टा याद करना है तो ऑयल से भी याद कर सकते हो, ठीक है। और कटप्पा से याद नहीं होता तो पी के मूवी से भी याद कर सकते हो। हर तरीका पता होना चाहिए, आगे का पीछे का सब। और एम और एन का मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, मन मैन जो भी आपको करना है, मनमोहन, ठीक है, इनसे आप एम और एन को याद कर सकते हो, ठीक है। मन हो गया, मैन हो गया, मनमोहन हो गया, ठीक है, इन सब से याद कर सकते हो। या फिर इसको उल्टा याद करना है तो नरेंद्र मोदी से याद कर सकते हो, नरेंद्र मोदी, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में, रिवर्स ऑर्डर। यदि आप इनको नोट करके दो तीन बार भी पढ़ लोगे तो आपको अल्फाबेटिकल सीरीज और उनका रिवर्स ऑर्डर और पेयर ये सारे के सारे अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको वहां लिखने की एटलीस्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। तो आज के सेशन में हमारे पास एक कैटेगरी के क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो क्वेश्चंस हम और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारा कोडिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कैटेगरी जिसका एक नंबर का क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है वो कौन सा है हमारे पास में, वर्ड पेयर, वो कौन सा है, वर्ड पेयर। तो आज हम यहाँ पे एक कैटेगरी के क्वेश्चंस और करेंगे, वर्ड पेयर के क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे। वर्ड पेयर के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे देखने को मिलते हैं, वर्ड पेयर के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि कोई भी एक वर्ड आपको वो दे देगा। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन में मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ वर्ड लिखता हूँ, फिर मैं आपको बोल के बता दूंगा सेंटेंस क्या होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ही लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, सिलेक्शन, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन एक वर्ड है जिसके आपको वर्ड पेयर निकालने हैं। तो वर्ड पेयर हमेशा लेटर्स से निकलते हैं, वर्ड पेयर किससे निकलते हैं, लेटर्स के साथ में निकलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक लेटर वर्ड है सिलेक्शन, आपको इसके वर्ड पेयर निकालने हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दिए हुए वर्ड के अंदर, दिए हुए वर्ड सिलेक्शन के अंदर ऐसे कितने पेयर हैं, या फिर ऐसे कितने लेटरों के पेयर हैं जो कि उसी ऑर्डर में आते हैं जिस ऑर्डर में वो अल्फाबेट सीरीज में दिखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिए हुए वर्ड सिलेक्शन के अंदर ऐसे कितने वर्ड पेयर हैं जो कि उसी ऑर्डर में आते हैं जिस ऑर्डर में वो अल्फाबेटिकल सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया हो तो सपोज यहाँ पे मैंने लिखा एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, ये ऑर्डर होता है अल्फाबेट के अंदर, और एक वर्ड दिया हुआ है एम ई ए एन ई आर। अब आप अगर देखो तो अगर वो ये पूछता है कि इस दिए हुए वर्ड में कोई पेयर मौजूद है क्या, तो देखो मुझे यहाँ पे एक पेयर दिख जाएगा एम से आर का। क्यों दिख जाएगा, क्योंकि ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में ये अल्फाबेटिकल सीरीज में प्रेजेंट है, मुझे इन बीच के लेटर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं देखूं तो एम और आर के बीच में उतना ही गैप है जितना गैप अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है, एम एन, ये एन है इसको एन कर लेना, एम एन ओ पी क्यू आर, चार का गैप है बीच में, तो यहाँ पे भी एम ई ए एन ई आर, चार का गैप है बीच में लेकिन गैप सेम है। तो यही चीज होती है वर्ड पेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड पेयर बोलते हैं। तो ये हर वर्ड के लिए आपको चेक करना पड़ेगा और हर वर्ड में हर लेटर के लिए चेक किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं एस के साथ, तो सबसे पहले हम एस से स्टार्ट करते हैं, क्या इस वर्ड के अंदर एस का कोई पेयर ऐसा मौजूद है जो उसी ऑर्डर में हो जिस ऑर्डर में एस के साथ वो अल्फाबेटिकल सीरीज में प्रेजेंट होता है। क्या बोलते चलेंगे साथ साथ में, एस के बाद जो भी आता है सब बोलेंगे। तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कुछ भी नहीं है, मतलब एस के लिए नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए, जीरो। ई की बात करें तो केवल आगे ही नहीं जाना है, अब हमें को यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, तो ई के बाकी सारे लेटर के साथ चेक करना है। तो ई के बाद क्या आता है, एफ, तो एफ पीछे है नहीं तो इधर तो खत्म ही हो गई कहानी। आगे चलें तो ई के बाद एफ ई एफ जी एच
IJKL, इसके लिए भी कितने हो गए, जीरो। L की बात करें तो L के लिए क्या हो गया, पीछे तो M और N आना चाहिए, M और N नहीं है, पीछे खत्म, तो L के लिए आगे चले तो L के बाद L, सॉरी L के लिए क्या होगा, L के बाद क्या आएगा, O आएगा, O आएगा या M आएगा, JKL M, ठीक है, मतलब पीछे M और N नहीं है, आगे चले तो JKL के बाद आ जाएगा हमारे पास M N O P Q R, मतलब L के लिए भी कितने हो गए, जीरो। E की बात करें तो वापस F से स्टार्ट होगा, तो E के बाद F G H कोई भी नहीं है, तो E के बाद आगे चले तो E के बाद F G H I J, इसके लिए भी कितने हो गए, जीरो। C की बात करें तो D से स्टार्ट होगा, C के बाद D E F G पीछे जीरो, C के बाद D E F G आगे भी जीरो। टी की बात करें तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी के बाद आगे चले तो यू वी डब्ल्यू, इसके लिए भी जीरो। ओ की आई की बात करें तो आई के बाद जे आएगा, तो आई के बाद जे के एल एम एन ओ, पीछे कोई नहीं है, आई के बाद जे के, इसके लिए भी जीरो। ओ की बात करें तो ओ के लिए ओ के बाद पी आता है, तो ओ के बाद P Q R S T U V, जीरो। O के लिए P, ये भी जीरो। N की बात करें तो देखो अब N के लिए अगला क्या होता है, O, तो N O पेयर मिल गया, उसी ऑर्डर में आ गया, तो N O P Q R S T U V, मतलब N के लिए कितना हो गया, एक हो गया। मतलब इस पूरे वर्ड के अंदर अगर कोई मेरे से पूछे कि कितने वर्ड पेयर हैं, तो इस पूरे वर्ड के अंदर केवल और केवल एक ही वर्ड पेयर है, दैट इज एन से ओ, और कोई सा नहीं है। मेरे हिसाब से बात सबको क्लियर हो रही होगी। मैं एक वर्ड और ले लेता हूं, बाकी आप खुद से सॉल्व करके देखोगे। एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास में, मैंने सपोज ले लिया, यदि मैं यहां देखू तो मेंटोरी ले लेता हूं, चलो एम ए एन सॉरी मैं ले लेता हूं मेंशन, चलो एक ये वर्ड ले लेता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो इस वर्ड के अंदर अब कैसे चेक करना है, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, कोई भी है नहीं, जीरो। ऐसे ही किसके लिए, ए के लिए, ए के बाद बी नहीं आता तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे बी नहीं है, तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जीरो। एन के बाद ओ पी, एन के बाद ओ पी क्यू आर, ये भी जीरो। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, ये भी जीरो। आई के बाद जे के एल एम मिल गया, आई के बाद जे के एल एम एक पेयर मिल गया, आई के बाद जे के मतलब एक ही है। ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, ओ के बाद पी जीरो। एन के बाद चेक करूं तो एन ओ, तो एन के बाद मिल गया मुझे कौन, ओ, तो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, तो एक इसके लिए मिल गया। मतलब यहां मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वर्ड पेयर कितने हो गए मेरे पास में, दो हो गए। कौन कौन से हो गए, टू, पहला हो गया आपके पास में आई से लेकर के एम, और दूसरा आपके पास में हो गया एन से लेकर के ओ, क्लियर है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जो एक नंबर का आएगा। तो आज हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं, वर्ड पेयर के क्वेश्चंस देख लिए हैं, रिवर्स ऑर्डर मतलब और हमने देख ली है लेटर्स की। तो आज की क्लास में इतना, और आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना चाहिए। अगर मुझे आपके कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा सेम टॉपिक दिखाई दिए तो मैं वही स्टार्ट कर दूंगा, अदरवाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं अपने अकॉर्डिंग लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।